हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? मैम, हम सब एकदम बढ़िया हैं. आप बताइए, आप कैसे हो? जी, हम भी एकदम बढ़िया हैं. और बताइए, लाइफ में सब कैसा चल रहा है? मैम, सब एकदम बढ़िया, मौज बहार एंड बिंदास चल रहा है. लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है. चलिए जी, चलिए, आज तो होने वाला है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट. आज होने वाला है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट. और आज से फिर कुछ बच्चे कसम खाने वाले हैं कि हम पंक्चुअल होके क्लास करेंगे, हम कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे, हम सारी क्लास ऑन टाइम करेंगे, हम प्रॉपर नोटिंग करेंगे. लेकिन 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 पता नहीं उनको क्या होता है, 2 या 3 क्लास के बाद वो बच्चे ऑनलाइन नहीं दिखते हैं, वो बच्चे नोटिंग नहीं करते हैं, वो खुद से हार मान लेते हैं. और जो हार मान लिया सो मान लिया, और जो चल रहा है वो आगे बढ़ रहा है. तो कृपया करके इस बार सभी बच्चे ये चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करें, इसमें कोई भी गैप ना रखें. ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और सबसे अच्छी बात कि पीजीबीपी जितना लंबा चैप्टर ये नहीं है, उससे छोटा चैप्टर है. सैलरी लंबा था, पीजीबीपी लंबा था, कैपिटल गेन है अच्छा खासा लंबा है, बट इतना लंबा नहीं है जितना कि पीजीबीपी था. बहुत सही चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, छोटा है, बड़ा नहीं है ये चैप्टर. चलिए जी, आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो और अपने आप को बोलो कि हम खुद को इतना टॉर्चर भी करना होगा तो कर देंगे, पर क्लास टाइम टू टाइम करेंगे. देखो, पढ़ने में कोई टॉर्चर वैसे तो होता नहीं है, पढ़ाई खुशी खुशी की जाने वाली चीज़ होती है. और मैं ऐसा मानती हूँ आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते होगे, खुशी खुशी पढ़ते होगे. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं एकदम खुशी खुशी आपको पढ़ाती हूँ. हम जो काम करते हैं उस काम में हमें मज़ा आना चाहिए. तो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है. आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं? मैम कैसी बातें कर दी, सच्ची बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं आता है. छोड़ो, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. या फिर ढीठ हो गए हो, या फिर क्या हो गया, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी. आप सब खुद जानते हो कि आगे आपका लाइफ का एम क्या है, लाइफ का फोकस क्या है, लाइफ में आपको क्या करना है, आपको किस वे को चूज करना है, सो दैट आप जल्दी से जल्दी चार्टर्ड बन जाओ और जल्दी से जल्दी कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओ. ये सब कुछ अब आपके ऊपर है. मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट आप सबको भी मेरे साथ साथ अपना 100% देना है. चलिए जी, तो हमारा आज का चैप्टर है कैपिटल गेन. क्या है आज का हमारा चैप्टर? कैपिटल गेन. बिल्कुल न्यू चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर और एकदम बढ़िया चैप्टर. देखो, पीजीबीपी खत्म हो गया. पीजीबीपी जब हमने पढ़ा था तो उसमें कितने सेक्शंस आते थे मैम? सेक्शन नंबर 28 से 44 तक वहां पर आ गए थे. 44 तक के सेक्शंस वहाँ कवर हो गए थे. तो अब कैपिटल गेन शुरू होगा. जस्ट इसके बाद का सेक्शन कैपिटल गेन का सेक्शन है. तो कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 45 to 55A. सेक्शन नंबर 45 to 55A पढ़ेंगे हम कैपिटल गेन में. तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, पीजीबीपी हमारा खत्म हो गया है. पीजीबीपी में 44 तक के सेक्शंस कवर हो गए हैं. आज हम एक नई चर्चा करेंगे. मैम, अगर हमने पीजीबीपी पहले नहीं पढ़ा तो क्या हमको कैपिटल गेन समझ आएगा? जी पक्का पक्का आएगा. कुछ टीचर्स पहले कैपिटल गेन पढ़ाते हैं फिर पीजीबीपी पढ़ाते हैं, कुछ पहले पीजीबीपी पढ़ाते हैं फिर कैपिटल गेन पढ़ाते हैं. मैं भी कुछ इसी तरह करती हूँ, पहले पीजीबीपी पढ़ाती हूँ फिर कैपिटल गेन पढ़ाती हूँ. चलिए जी, तो आप किसी भी चैप्टर को पहले कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. किसी भी चैप्टर को आप बाद में करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आपको सारे चैप्टर पक्के पक्के समझ आएंगे. बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको तो अब बात समझ आ रही है. तो आज का जो चैप्टर है वो है कैपिटल गेन. एक बार जल्दी से मैसेज करो और बोलो उसमें कौन से सेक्शंस हैं. मैम, सेक्शन नंबर 28 से 44 तो पीजीबीपी में हो गया, उसके बाद 45 से लेके 55A तक हम सीखेंगे कैपिटल गेन में. वेरी वेरी गुड, कितना अच्छा बताते हो आप सब, कितना अच्छे से बताते हो ना. जी मैम, देख देख के बता रहे हैं ना, सामने लिखा है तो हम अच्छा बता देते हैं, अच्छे से कमेंट कर देते हैं. चलिए जी, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जितनी बार मैं बोलूँगी उतनी बार आपके माइंड में एक बार तो जाएगी, और ऐसे मैं 10 बार बोलूँगी तो आपको याद हो जाएगी. और समझा मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से दूंगी कॉन्सेप्चुअली. चलिए जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. बहुत मैंने इस चैप्टर की आपको कहानी सुना दी, बहुत कहानी सुना दी, अब आगे बढ़ाएंगे. सुनो, आप सबने एक चीज़ पढ़ी. मैम क्या चीज़ पढ़ी? आप सबने पढ़ा कि अगर किसी को सैलरी से पैसा मिल रहा है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होता था? सैलरी हेड में.
कहाँ पर टैक्सेबल होता था बताइए, मैसेज कीजिए मैम सैलरी हेड में। देखो जो बच्चा मैसेज करेगा उसको चीजें याद रहेंगी, एक बार अपने हाथ से लिख लोगे, टाइप कर लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। जो मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ उनका आंसर दोगे तो इसका मतलब आप एक्टिव रहोगे, वरना सो जाओगे। ऑनलाइन क्लासेस का क्या ड्रॉबैक होता है, यही तो होता है। अगर टीचर की बात का आंसर नहीं दोगे तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर बाद आपको यूट्यूब का कोई रिकमेंडेशन दिखेगा, आप वहां भाग जाओगे। ये फैक्ट ऑनलाइन क्लासेस का है ना। तो बेटर है कि मेरे साथ कॉपरेट करो, मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर दो, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। सैलरी की इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होती है बताइए मैम, सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। सिमिलरली अगर आपको बिजनेस से इनकम हो रही है तो फिर कहाँ पर टैक्सेबल होगी मैम, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। अभी एक हेड मैंने आपको कराया नहीं है, अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हो, रेंट पे दे देते हो तो आपको जो इनकम आएगी वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने बिल्डिंग बेच दिया, अगर आपने बिल्डिंग बेच दी, आपने कोई लैंड की सेल कर दिया, आपने कोई फ्लैट बेच दिया, तो इस केस में जो भी आपके हाथ में इनकम आएगी वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। कहाँ पर टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। तो याद रखिएगा हर इनकम का अपना एक पर्टिकुलर हेड है, सैलरी इनकम सैलरी हेड में जाती है, बिजनेस इनकम प्रोफेशनल इनकम पीजीबीपी हेड में आ जाती है, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में चली जाती है, और बिल्डिंग के लैंड के फ्लैट के सेल होने से अगर आपको कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होता है तो वो कैपिटल गेन हेड में आ जाता है। बात समझ आई कि नहीं जी मैम, बात तो समझ आई। चलिए जी अब देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा बड़ा ही प्रिटी सा एक एग्जांपल रखती हूँ, ठीक है जी मैम। रखिए ये नोट करते रहना साथ के साथ, जो भी मैं लिखती हूँ आप सब इसको नोट करते रहना साथ के साथ। मे भी बाद में टाइम नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन मतलब हैंड टू हैंड क्लास नहीं देख रहे तो बाद में क्लास को नोट ना पॉज करके कर लीजिएगा, साथ के साथ देख रहे हो पीछे रह जाते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो जी अब फेस टू फेस तो है नहीं जो मुझे दिख रहा हो किस बच्चे का पेन चल रहा है किस बच्चे का रुक गया, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दूं आगे बढ़ा दूं, है ना, ऐसा तो है नहीं है यहाँ पर। चलो सुनो अब आप सबको, जब मैंने आप सबको कराया था पीजीबीपी, बिल्कुल अभी कराया था इसलिए पीजीबीपी की बातें याद दिलाऊंगी थोड़ी सी, हालांकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आप सबको मैंने पीजीबीपी में एक सेक्शन कराया था, सेक्शन नंबर 28। कोई भी बच्चा ऐसा हमारी क्लास में जिसको पता हो कि सेक्शन नंबर 28 किसका होता है, मैम सेक्शन नंबर ना 28 ना चार्जिंग सेक्शन होता है, हमको याद आ गया। अरे वाह आपकी तो एग्जाम्पशन पक्की है। 28 किसका होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है। और चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताता है कि मैम इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम चार्ज होगी, इस पर्टिकुलर हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये बात हमको बताता है चार्जिंग सेक्शन। सिमिलरली मैम हमने सैलरी किया था, वहां पर भी एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 15 था। कौन सा था, सेक्शन नंबर 15, वो क्या था, चार्जिंग सेक्शन था। हमने सीखा था ना कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में चार्जेबल होगी। सिमिलरली एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1, ये है चार्जिंग सेक्शन, ये है चार्जिंग सेक्शन। एक सेकेंड रुक जाइए स्क्रीन बंद हो गई, जो भी लिखा था वो सब कुछ रफ हो गया, एक्चुअली उसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर चीजें लिख दूंगी, आप सब नोट कर लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, आप सबने वहां से नोट किया था, जो नहीं किया था वो मैं यहाँ लिखूंगी। चलो तो मैं आपसे बात कर रही थी चार्जिंग सेक्शन की, मैंने आप सबको बताया था कि चार्जिंग सेक्शन हमने क्या क्या पढ़ा था, कहीं पे हमने 28 को चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, कहीं पे हमने 15 में चार्जिंग सेक्शन की बातें पढ़ी थी, अभी हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो 45(1) में हम चार्जिंग सेक्शन की बातें पढ़ेंगे। तो 28 किसका चार्जिंग सेक्शन था, पीजीबीपी का। सिमिलरली सेक्शन नंबर 15 किसका चार्जिंग सेक्शन था, मैम सैलरी हेड का। अब सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 किसका चार्जिंग सेक्शन है, मैम कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है। वेरी गुड, चलिए जी सुनिए मेरी बात। अब ये चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताता है मैम, चार्जिंग सेक्शन बताता है कि कौन कौन सी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी,
कब एक पर्सन के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, वो ऐसा क्या कांड करेगा, ऐसी क्या घटना वो घटित कर देगा कि उसके ऊपर कैपिटल गेन हेड के अंदर अंदर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो वो बातें हम कहां पर पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 40 सब 45 सब सेक्शन 1 में, जो कि आपको क्या बताएगा एक पर्सन के हैंड्स में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर हैड कैपिटल गेन। बात समझ आई कि नहीं मैम? समझ आ गई, चलो सुनो मेरी बात। सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 1 ये नोट करते रहिएगा, साथ साथ मैं बोल रही हूँ इसको नोट भी करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना हो वो कर लीजिएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप सब जानते हो जो ये होता है हमारा सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1, ये क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताएगा, देखो क्लियर कट मैंने लिखा है चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। ये सेक्शन किसका है, चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का, जो कि आपको क्या बताएगा कौन सी इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी और कब एसएससी पर टैक्स लायबिलिटी इम्पोज होगी। जो भी वर्ड्स अभी मैंने बोला वही वर्ड्स मैंने आपको यहाँ बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया, सो दैट इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन। तो कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी, वो वाली बातें हमें कहां से पता लगेंगी, सेक्शन नंबर 45 से पता लगेंगी। एक एसएससी के ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी कब अराइज होगी अंडर द हेड कैपिटल हेड, बताइए अंडर द हेड कैपिटल हेड एक एसएससी के ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब मैम उसने इनकम अर्न की होगी अंडर सेक्शन 45 में, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी अंडर हेड कैपिटल गेन। चलिए जी, तो ये देखो कि इस वाले हेड में टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी, तो इस सेक्शन को जो सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 है उसको मैंने दो फेज में डिवाइड किया है, दो फेज में डिवाइड किया। सेक्शन 45 हमको दो बातें बताएगा, कितनी बातें बताएगा, दो। मैम क्या हम सारा हैंड नोट से पढ़ेंगे, हमें कोई बुक का नोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, अभी आपको पढ़ाया भी जाएगा, अभी उसके दर्शन भी आप सबको दिए जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 45 की मैं बात कर रही हूँ, सेक्शन नंबर 45 जो है इसको कितने हेड्स में डाला जाएगा मैम, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें कितनी बातें बताई जाएंगी, दो। पहली बात तो इसमें बताई जाएगी कि कौन सी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी। तो सुनो कि आपको इनकम हो रही है, लेकिन वो इनकम कहाँ से हुई हो, वो इनकम हुई हो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, एक कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से एक इनकम अगर आपको अराइज हुई है तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी कैपिटल गेन हेड में। मैम अच्छा अब बात समझ आई कि अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया जाएगा तभी यहाँ पर इनकम टैक्सेबल होगी, अगर मैं अदर देन कैपिटल एसेट को सेल कर दूँ, ट्रांसफर कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो फिर उससे जो मुझे इनकम आएगी वो कैपिटल हेड में ना आ पाएगी। बिल्कुल सही बात, यहाँ देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि कोई कैपिटल असेट होनी चाहिए। अगर कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो फिर आपको जो इनकम हो रही है वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी कैपिटल हेड के अंदर। बात समझ आई या नहीं? जी मैम अब हमको बात समझ आ रही है। मैम एक बात बताइए कि कैपिटल एसेट क्या होती होंगी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी फिर भी आइडिया दे रही हो। अब ये मेरा पेन है, सपोज ये पेन मेरे बिजनेस में सेल नहीं हो रहा, ऑब्वियसली नहीं हो रहा, इस पेन को तो मैं एज अ कैपिटल एसेट यूज कर रही हूँ, इससे आपको पढ़ाती हूँ। तो ये जो पेन है, ये जो पेन है ये मेरी कैपिटल एसेट है कि नहीं? जी मैम ये पेन तो आपकी कैपिटल एसेट है। ये जो कैलकुलेटर है ये मेरी कैपिटल एसेट हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल हुआ। ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को यूज करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये डिजिटल पेन, ये सिस्टम, ये कैमरा, ये सब कुछ क्या है मैम? ये सब कुछ आपका कैपिटल एसेट है। अगर इस कैपिटल एसेट को मैं बेच दूँ, इस कैपिटल एसेट को अगर मैं बेच दूँ तो उससे अगर मुझे कोई प्रॉफिट होगा तो मेरा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मैम कैसा प्रॉफिट होगा, आप इस पेन को बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? सपोज करो ये पेन मैंने खरीदा था 8,000 रुपये में, कितने में खरीदा था, 8,000 रुपये में, लेकिन ये पेन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और आप इस पेन को 10,000 में खरीदने के लिए रेडी हो गए। तो ये पेन मैंने आपको क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, कितने में कर दिया, 10,000 रुपये में। तो मेरे को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ मैम, 2,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। ये 2,000 रुपये मेरी क्या हो गई मैम, ये 2,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। ये इनकम मेरी टैक्सेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए कैपिटल हेड में? जी मैम बिल्कुल होगी।
चलिए इतनी बात समझ आई कि रीजी मैम, इतनी बात हमको समझ आई। अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। जी मैम सुनाइए, हम तो सुनने के लिए रेडी हैं। सुनिए तो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर वर्ड ट्रांसफ़र क्यों लिखा। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर सेल होने से पैसा आएगा तो इनकम होगी, तो मैंने वर्ड यहाँ पर सेल क्यों नहीं लिख दिया, यहाँ पर वर्ड ट्रांसफ़र क्यों लिखा। मैंने ट्रांसफ़र वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बेचते हो एक्चुअल में, तब तो आपको इनकम होगी, वो पैसा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से एक्सचेंज कर लो फिर आपको गेन हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट उसको कहाँ पर टैक्सेबल करे। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपसे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, कंपलसरी एक्वायर कर ली, जबरदस्ती वसूली कर ली, होता है ना, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एरिया में जब मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था तो मेट्रो के आसपास जो भी मतलब बिल्डिंग्स बने हुए थे वो सब कुछ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि इस पर्टिकुलर एरिया में से तो हमारी मेट्रो होके निकलेगी, यहाँ पर ये जो आपका घर है यहाँ पर तो मेट्रो का क्या बनेगा, मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो ये घर हम आपसे एक्वायर करना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी नहीं होगी ना, फिर भी गवर्नमेंट आपसे कंपलसरी एक्वायर करेगी, पर बदले में आपको पैसा तो देगी ना, बदले में आपको पैसा तो देगी। और हो सकता है कि जो आपका घर था वो कितने का था, 1 करोड़ रुपए का था, और गवर्नमेंट ने आपको कितना रुपया दे दिया, 2 करोड़ रुपए दे दिया, तो 1 करोड़ का तो आपको फायदा हो गया, 1 करोड़ तो आपके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए ना। जी मैम बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सरकार जी आपने तो कहा था कि सेल टैक्सेबल होगी, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से तो बेचा ही नहीं, अब ये मैं क्यों टैक्स दूं इस पर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेल वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पर क्या वर्ड लिखा, ट्रांसफर। मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी कि ट्रांसफर का क्या क्या मीनिंग होता है, ट्रांसफर के अंदर और क्या क्या वर्ड्स आ जाएंगे, सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। अभी तक इतनी बात समझ आई कि नहीं, कोई भी इनकम आपको अराइज हो रही है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट, किसी भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से अगर आपको कोई भी इनकम अराइज हो रही है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी, अंडर सेक्शन 45 टैक्सेबल हो जाएगी, कैपिटल हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। बताइए बात बनी कि नहीं मैम, अब तो बात बन गई। चलिए तो पहली बात तो आपने सेक्शन नंबर 45(1) में क्या सीखी कि मैम कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो ऐसी इनकम जो कि कैपिटल गेन को, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से अराइज हो रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब उस इनकम को आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, उस इनकम को आप गेन भी बोल सकते हो, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आ जाइए आगे, आइए आगे देखिए और बातें मैं आपको समझाती हूँ। जब आपने पहली बात पढ़ी सेक्शन नंबर 45(1) की, तो आपके हाथ में अब क्या आ गया, आपके हाथ में क्या आ गया, इनकम आ गई। मैम 45(1) से हमने यही तो सीखा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो हमें क्या पता लगा कि ये वाली इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली 45(1) का क्रक्स क्या रहा कि कौन सी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। चलिए ये आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ। पहली बात तो मैम हमको समझ आ गई, लेकिन सेक्शन नंबर 45 यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। सेक्शन नंबर 45 एक और बात बताता है जिसको मैंने नाम दिया है दूसरी बात। पहली बात तो हम सबको समझ आ गई मैम, क्या हम दूसरी बात समझ जाएंगे, क्या मैम हमको दूसरी बात समझ आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी, इतने होनहार बच्चे हो, क्यों दूसरी बात समझ नहीं आएगी। चलिए जी कोशिश कीजिए, फिर बताइएगा समझ आया कि नहीं आया। ठीक है मैम सुनो, पहली बात से आपके हाथ में क्या आ गया मैम, इनकम आ गई। ये तो पता है कि इनकम टैक्सेबल होनी है, लेकिन ये इनकम कब टैक्सेबल होगी, ये इनकम कब टैक्सेबल होगी, वो बात लिखिए दूसरी बात के अंदर कि ये इनकम कब टैक्सेबल होगी। पहले हमने क्या पढ़ा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है जी पता चल गया, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से अराइज हुई इनकम टैक्सेबल होगी। अब बात आती है, ठीक है जी अब ये तो बता दो कब टैक्सेबल होगी, चलो अब पढ़ते हैं कब टैक्सेबल होगी। तो सुनो, इनकम तब टैक्सेबल होगी जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, जब आपने प्रॉपर्टी क्या की है, ट्रांसफ़र की है, जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसी प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी।
अच्छा मैम, मतलब कि अगर हमने, सोचो मैम, सोचो जरा सोचो, ये मिस्टर ए है, ठीक है मैम, और ये है मिस्टर बी। मैंने कहा ठीक है जी, आप तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि ये मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक घर था, बड़ा ही सुंदर सा घर था मैम। मिस्टर बी को ये घर पसंद आ गया। मिस्टर बी ने कहा मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। मिस्टर ए ने इस घर को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कर दिया मैम जनवरी 2020 में। कब ट्रांसफ़र कर दिया? जनवरी 2020 में। लेकिन मैम मिस्टर बी के पास तो पैसे ही नहीं थे, बस घर पसंद आ गया। लेकिन मिस्टर ए बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, उन्होंने घर ट्रांसफ़र कर दिया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि हम आपके पैसे जो है ना वो जनवरी 2022 में दे देंगे। कब दे देंगे? 2 साल बाद दे देंगे। अभी पैसा वैसा नहीं है, थोड़ा काम चला लो, थोड़ा हमारा भी काम चलने दो, 2 साल बाद हम आपको पैसा दे देंगे। मिस्टर ए इस बात से अग्री कर गए। अब बताओ कि ये जो इनकम है, ये जो घर था कितने का था? 50 लाख रुपए का। ये जो 50 लाख रुपए का मिस्टर ए ने घर बेचा, ये 50 लाख रुपए मिस्टर ए के हाथ में 2020 में टैक्सेबल होना चाहिए या फिर 2022 में टैक्सेबल होना चाहिए? पहली बात सुनो, इन्होंने ये जो घर बेचा है कितने में बेचा है मैम? 50 लाख में बेचा है। तो इन्होंने ये घर किसी ना किसी अमाउंट में तो खरीदा होगा। सपोज करो इन्होंने घर खरीदा था 40 लाख रुपए का। मिस्टर ए ने 40 लाख रुपए का घर खरीदा था। मिस्टर ए ने ये घर बी को 50 लाख रुपए में बेच दिया। मिस्टर ए के हैंड्स में इनकम कितनी आई? पहले तो मुझे बताओ पहली बात कि इनकम कितनी आई मैम? इनकम आई 10 लाख की। अब दूसरी बात कि ये इनकम कब टैक्सेबल होगी? ये इनकम 2020 में टैक्सेबल होगी या फिर ये इनकम 2022 में टैक्सेबल होगी? चलो बताओ मैम। कीवर्ड्स पढ़ते हैं हम, कीवर्ड्स से आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, चलो पढ़ो कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में लिखा है इनकम अबव इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मैम क्लियर कट लिखा है जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ ना उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। और मैम ट्रांसफर कब हुआ है? 2020 में। ट्रांसफर कब हुआ है? 2020 में। तो मिस्टर ए के हैंड्स में ये कब टैक्सेबल हो जाएगी मैम? ये तो मिस्टर ए के हैंड्स में 2020 में ही टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सेल कंसिड्रेशन कब दिया है मैम? सेल कंसिड्रेशन दिया गया है 2022 में। कोई बात नहीं है, उसको क्या कर दो? इग्नोर। और इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब ट्रांसफर हुआ। तो देखो यहाँ पर रेड वर्ड्स में मैंने क्लियर कट लिखा है सेल कंसिड्रेशन कब मिल रही है, ये बात क्या है? इररिलेवेंट है। कब सेल कंसिड्रेशन मिल रही है आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना। आपको बस ये देखना है कि कब आपने अपनी हाउस को, अपनी बिल्डिंग को ट्रांसफर किया। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं बताइए मैम? अब हमको बात समझ आ गई है। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊँ जी मैम? बढ़ जाइए। चलो तो सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 खत्म हो गया है। हम इसको एक बार 1 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कौन सी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी और कब टैक्सेबल होगी। चलो पहली बात का आंसर दो मैम। जब भी आपको कोई इनकम अराइज होगी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल हेड में आके टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड। फिर आप सबने मुझे बोला कि मैम जब आपने वो कैपिटल असेट ट्रांसफर की होगी ना उसी ईयर में इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। डजेंट मैटर कि मैम आप सेल कंसिड्रेशन कब ले रहे हो, आप लो ही नहीं है ना, आप लोगे नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। चलो जी आइए देखते हैं अब आगे क्या बोलता है ये सेक्शन। आपको जो बात समझ आई वो इतनी समझ आई, एक सेकेंड, मैं यहां से इरेज कर देती हूं, जिसका नोट करने को रह गया हो वो नोट कर लीजिएगा। इतने ब्यूटीफुल नोट्स हैं इस चैप्टर के, बिलीव मी इतने ब्यूटीफुल नोट्स हैं ना, ना मन खुश हो जाए तो कहिएगा, ना मन खुश हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा मैम नहीं पसंद आए। लेकिन पसंद आ जाए तो एक बार मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मैम सच में नोट्स पढ़ के मज़ा ही आ गया। ना मज़ा आ जाए तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। चलिए जी अब आपने क्या सीखा मैम? हमने सीखा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी एंड कब टैक्सेबल होगी। वेरी गुड। अब देखो
लेकिन अब बात आती है कि कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से इनकम आनी चाहिए। तो लेकिन ये कैपिटल एसेट क्या होता है? व्हाट इज द कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट है क्या और ये ट्रांसफर क्या है? अब हम दो टर्म सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। तो दो टर्म्स अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। चलिए अब मेरे साथ आप सभी आ जाइए नोट्स पर, ये सब हम कवर कर चुके हैं। आप आ जाइए डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाती थी तो जो भी डेफिनेशन मुझे आपको समझानी होती थी, मैं कौन से सेक्शन का सहारा लेती थी? मैम सेक्शन नंबर 2 का। मैं हमेशा बोलती थी सारी डेफिनेशन कहाँ पर बताई गई है? सेक्शन नंबर 2 में बताई गई है। तो इनकम टैक्स के अंदर भी सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में ही डिफाइन है, लाइक जीएसटी। ठीक है जी मैम, इनकम टैक्स के अंदर भी 2 में ही डिफाइन है? जी बिल्कुल, सेक्शन नंबर 2 इज द सेक्शन विच डिफाइन ऑल द डेफिनेशंस। ठीक है मैम, अब हमको समझ आई है ये बात। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट है क्या? अब चलो, ये मेरे पास एक बुक है, मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है जी, ये एक बुक है। ये बुक अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ, ये बुक है सपोज 5,000 रुपये की, मैं किसी को ये बुक 6,000 में दे रही हूँ, क्या मेरे को 1,000 का जो गेन हुआ है वो मेरा कैपिटल हेड में टैक्सेबल होगा कि नहीं? मैम वो तब टैक्सेबल होगा जब आपकी ये बुक आपकी कैपिटल असेट होगी। तो अब मैं ये तो देख लूँ कि कैपिटल असेट होता क्या है, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ये बुक फॉल करती है कि नहीं, पहले मैं ये तो पता करूँ। ठीक है मैम, तो चलो आइए अब सीखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल लो पढ़ा रही हूँ, कोई भी मैं टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि भगा रही हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपका माइंड मेकअप कर रही हूँ आज की क्लास में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास से मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, उसके नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा होगी, उसके नेक्स्ट में और भी ज़्यादा होगी, ऐसा होगा, क्योंकि अब आप चीज़ों को धीरे 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 समझने लग जाओगे, आपको कैपिटल गेन में मेच्योरिटी आ जाएगी अच्छे से, फिर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी समझने लग जाओगे। चलो बात समझ आई कि नहीं मैम? आ रही है, आप सुनो, कैमरा इज वर्केबल? कैमरा कैमरा, हाँ जी कैमरा हमारा चल रहा है, एकदम बढ़िया है। चलिए जी, अभी ये पहले वाले सॉफ्टवेयर में तो इशू था, हम अभी इसी पे ही काम करते हैं, जब वो ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा, हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, जी मैम बिल्कुल। चलो तो अब हम क्या सीख रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। सबसे पहले यहाँ पर एक कीवर्ड देखो, ये लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव। कैपिटल असेट की जो लिस्ट आपको मिली हुई है वो कैसी लिस्ट है? एग्जॉस्टिव, मतलब कि ये फुल फ्लेज लिस्ट है। कैपिटल असेट का वही मतलब है जो कि यहाँ पर बताया गया है, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को कैपिटल असेट नहीं बोलोगे। जितना मीनिंग आप यहाँ समझ लोगे वही चीज़ कैपिटल असेट है, अदर देन दैट कोई भी चीज़ आपकी कैपिटल असेट नहीं है। चलो तो जो डेफिनेशन है कैपिटल असेट की वो कैसी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको दी गई है। सबसे पहले इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पहली बात जो बोली गई है वो बोली गई है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल असेट है कि नहीं? जी हाँ कैपिटल असेट है। नीचे देखो मैंने रिमार्क लिखा हुआ है कि ये कैपिटल असेट है या नहीं। तो हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो नॉट बिजनेस के लिए हो, वो आपकी कैपिटल असेट है। सपोज मेरा ये घर है, मान लो ये मेरा एक घर, ये जो मेरा घर है, ये जो घर है ये मैं इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करती हूँ, और इसी में मेरा स्टूडियो है, और मैं इसको अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर रही हूँ। तो इस घर को मैं दोनों पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं इस घर को सेल करती हूँ तो इस घर से जो भी मुझे गेन होगा वो मेरा कैपिटल हेड में, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? जी मैम होगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा घर मैं अपने स्टूडियो के लिए यूज नहीं करती, मैं अपना पूरा का पूरा घर सिर्फ और सिर्फ यूज करती, किस लिए यूज करती बताइए? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रही होती, तब मैं इस घर को बेच देती, तब मुझे जो प्रॉफिट होता क्या वो इस हेड में टैक्सेबल होता? जी बिल्कुल होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता। क्लियर कट लिखा है ना? चाहे ये प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से कनेक्ट हो, चाहे ये प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से कनेक्टेड ना हो, लेकिन अगर आपको कोई इनकम होगी तो वो आपकी कैपिटल असेट में टैक्सेबल हो जाएगी।
अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो बिल्डिंग क्या है आपकी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं? जी हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप बिल्डिंग को बेचते हो तो जो भी आपको गेन होगा वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ना करूँ, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो भी मेरी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। आपके सपोज करो कोई प्लांट एंड मशीनरी है, वो आपने कैपिटलाइज कर रखे हैं, वो आपकी कैपिटल असेट है। आप उस प्लांट एंड मशीनरी को बेच देते हो तो आपको जो भी गेन होगा वो आपका कैपिटल हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब लैंड बिल्डिंग तो है ही है, गुडविल, टैंजिबल असेट, एनिमल्स, ट्रीज, बिटकॉइंस, डेप्रिशिएबल एसेट्स, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब आप सिर्फ घर, बिल्डिंग, लैंड यही सब मत ले लेना। प्रॉपर्टी का मीनिंग अपने आप में वाइडर है। अपने आप में क्या है? वाइडर है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, उससे आपको अगर कोई गेन हो रहा है तो वो आपका यहाँ पर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, ये मैंने क्लियर कट लिखा है। क्या ये कैपिटल असेट है? जी हाँ, ये कैपिटल असेट है। अब मैं बढ़ती हूँ थोड़ा सा आगे। इन पॉइंट नंबर टू, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बाय FIIs। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो अपना क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया की कंपनीज के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? अगर उस इन्वेस्टमेंट से इनको कोई गेन आएगा तो जी बिल्कुल होगी, वो इनकम उनकी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। मैम, इस बात को अलग से इन्हें बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो ये जो आपके FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये देखिए वैसे लिखा हुआ है, ये रहा साइड में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैम, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर शेयर्स में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको जो इनकम होगी वो कैपिटल असेट है। जी बिल्कुल है। लेकिन मैम, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स में पैसा नहीं लगा रहे, शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो उनकी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल असेट नहीं बोला जाएगा क्या? नहीं जी, फिर उनकी असेट को कैपिटल असेट नहीं बोला जाएगा। अगर वो शेयर्स में डेली बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनकी एसेट को कैपिटल एसेट बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल एसेट बोला जाएगा। पॉइंट नंबर वन के थ्रू ही बोला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो सेकंड बात मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, यही बात याद रखना, हालांकि सीए इंटरमीडिएट लेवल पर इस बात का कोई भी इश्यू आपको अब आगे मैं डिस्कस नहीं कराऊंगी, आपके सिलेबस में नहीं है। सीए फाइनल में जाके जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे वहां पर आपको इस इश्यू को डिस्कस करने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतनी बात जानो कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि कोई कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया में है, वो इंडिया में आके पैसा लगाना चाहती हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परमिट कर दिया जाता है कि विदाउट परमिशन हमारे इंडिया में कितना भी पैसा लगा सकती हैं, कितना भी पैसा ये लगा सकती हैं। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं वो इन्वेस्टमेंट से इनको जो भी गेन होता है उसको क्या बोला जाता है? ऐसा गेन जो कि कैपिटल हेड में टैक्सेबल होगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको अभी ये बात समझ आ रही है। तो आपने अभी तक क्या समझा? कि कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो, वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी बात, FFIs के द्वारा शेयर्स में की गई इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल असेट है। जी मैम बिल्कुल है। अब बात आती है पर्सनल इफ़ेक्ट्स की, अब बताइए पर्सनल इफ़ेक्ट्स कैपिटल असेट बनेगा कि नहीं? पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल असेट बनना चाहिए कि नहीं? अब बात आती है सिर्फ इतनी सी। तो सुनो, अगर मैं बात करूं पर्सनल इफेक्ट्स की, तो पर्सनल इफेक्ट कैपिटल गेन बनेगा या नहीं? मैम, पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट की मैं बात करूं, टीवी, फर्नीचर, फ्रिज, वियरिंग अप्रेल, बिल्डिंग, लैंड, ये सब पर्सनल इफेक्ट है कि नहीं? जी मैम, ये बिल्कुल पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन हमने पॉइंट नंबर वन से क्लियर कट बोला कि बिल्डिंग और लैंड, चाहे आप रहने के लिए यूज करो, चाहे आप बिजनेस के लिए यूज करो, अगर इनका ट्रांसफर कर रहे हो तो ये कैपिटल असेट है। ठीक है जी? जी मैम। लेकिन अगर टीवी,
फर्नीचर, फ्रिज, कोई भी वियरिंग अप्रेल, मतलब कि कोई कपड़े वगैरह, आपके कोई भी पर्सनल चीज, कोई बैग, कुछ भी अगर आप सेल कर देते हो, परचेज करके सेल कर देते हो, तो उसमें आपको कोई गेन हुआ है तो फिर वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। इवन वो तो इनकम टैक्स में कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। आपने अपने घर का टीवी बेच दिया, टीवी आपने खरीदा था 10,000 रुपये का, वो टीवी आपने बेच दिया कितने में बताओ, 12,000 रुपये में, तो यहाँ पर 2,000 रुपये का आपको क्या हुआ, गेन। बट ये इनकम टैक्स के अंदर कहीं भी ये 2,000 रुपये आपके टैक्सेबल नहीं किए जाएंगे। क्लियर कट बोला गया है, पर्सनल इफेक्ट आपके टैक्सेबल नहीं होंगे, पर्सनल इफेक्ट आपके कैपिटल असेट नहीं बनेंगे। लेकिन आओ अब इस चीज को मैं अच्छे से डिफाइन करती हूँ एक बार। ये जो पर्सनल इफेक्ट है ये मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग? जी मैम बिल्कुल राइट, ये आपके मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं। पर्सनल इफेक्ट जहाँ जिस चीज़ को मैं खुद के पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ बिल्डिंग को, बिल्डिंग को मैं पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं इस घर में रह रही हूँ। लैंड, लैंड को मैं पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कैपिटल असेट बनेगा। याद रखना, लैंड और बिल्डिंग हमेशा कैपिटल असेट रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे पर्सनल इफेक्ट्स की जो कि मूवेबल हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कपड़े, अभी सलमान खान की बात करते हैं। चलो, सलमान खान ने कोई शर्ट खरीदा, वो शर्ट था 5,000 रुपीज का। कितने का था शर्ट उनका? 5,000 का। आप सब जानते हो ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी चीजें कितनी कॉस्टली बिकती हैं। एक क्रिकेटर के बैट की बात करें तो वो कितने का होगा? 1 लाख का। लेकिन लोग उसको 1-1 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सलमान खान की शर्ट है 5,000 रुपये की, लेकिन अगर सलमान खान अपनी शर्ट को बेचेंगे तो कोई शायद इनका जो बहुत बड़ा फैन होगा वो इनकी शर्ट को 5 लाख रुपये में भी खरीदने के लिए रेडी होगा कि नहीं, बताइए। जी मैम बिल्कुल रेडी होगा। क्यों रेडी नहीं होगा? इनका जो फैन होगा वो इस शर्ट को 5 लाख रुपए में भी खरीदने को रेडी हो जाएगा। तो सलमान खान को कितने रुपए का फायदा हुआ बताइए, मैसेज कीजिए। मैम सलमान खान को 4,95,000 रुपए का गेन हो रहा है। लेकिन ये गेन कहाँ से आया? पर्सनल इफेक्ट जो कि कैसे है, मूवेबल है। पर्सनल इफेक्ट जो कि कैसे है, मूवेबल्स हैं। और जब भी वो मूवेबल्स होंगे, जब भी वो मूवेबल्स होंगे, तो उस केस में वो चीज कैपिटल असेट नहीं बनेगी, वो चीज कैपिटल असेट नहीं बनेगी। देखो लिखा है ना, कैपिटल असेट के आगे क्रॉस। कोई भी मूवेबल है तो वो कैपिटल असेट नहीं बनेगी। एग्जांपल के लिए फर्नीचर, सलमान खान की शर्ट, आप और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो यहां पर लिख लो। अब देखो एक और बात सुनो, अगर पर्सनल इफेक्ट मूवेबल है तब तो वो क्या बनेंगे, कैपिटल असेट नहीं बनेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ पर्सनल इफेक्ट को बाहर कर दिया, इन्होंने कुछ पर्सनल इफेक्ट के बारे में बोला कि चाहे आप इनको पर्सनली यूज कर रहे हो या आपके मूवेबल है, फिर भी इनको कैपिटल असेट बोला जाएगा। मैम ऐसे कौन कौन से है? तो इन्होंने क्लियर कट बोला ज्वेलरी, ज्वेलरी को इन्होंने क्लियर कट बोला कि ज्वेलरी चाहे ये मूवेबल होती है, ऑब्वियसली चाहे क्या, ज्वेलरी तो मूवेबल ही होती है। आपका नेकलेस है वो मूवेबल होगा कि नहीं होगा बताइए, आपके पास गोल्ड की वॉच है वो मूवेबल है कि नहीं? जी मैम बिल्कुल है। ज्वेलरी हमेशा टैक्सेबल होगी, ज्वेलरी पर हमेशा कैपिटल गेन लगेगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आपने सुना होगा, जो पुराने जमाने में जो घर होते थे उनके, उन घरों के नीचे आपने सुना होगा, किसी के घर के नीचे सोने का घड़ा निकलता था, किसी के घर के नीचे सोने की अलमीरा निकलती थी, किसी के घर के नीचे सोने का कुछ निकलता था। तो जमीनों में से कुछ ना कुछ धसी हुई चीज जब निकलती है उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आपको कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिला है, आप उसको सेल करके कुछ पैसा कमा रहे हो, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर कैपिटल गेन हैड। जबकि आप सब जानते हो कि जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन होते हैं ये भी आपके मूवेबल होते हैं, ठीक है मैम। फिर इन्होंने बात की ड्राइंग की, पेंटिंग की, स्कल्पचर्स की। मैम स्कल्पचर्स क्या होते हैं? जो मूर्तियां वगैरह होती हैं उनको स्कल्पचर्स बोलते हैं, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये सभी चीजें आपकी मूवेबल है, स्टिल अगर इनको सेल करने से, इनके ट्रांसफर करने से आपको कोई भी गेन होता है तो वो कैपिटल गेन हैड में टैक्सेबल होगा, पक्का पक्का होगा, 100% होगा। अब देखो आपको क्या बात समझ आई। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? जी मैम वो कैपिटल एसेट है, ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा कि
FFIs के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट है कि नहीं? जी मैम, कैपिटल असेट है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं, जो कि आपके पर जो भी आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल, अगर वो इमूवेबल है तो वो कैपिटल असेट है, अगर वो इमूवेबल है तो वो कैपिटल असेट है, लेकिन अगर वो मूवेबल है, अगर वो मूवेबल है तो वो कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 टॉपिक को बाहर कर दो, ये 6 टॉपिक पर्सनल है, मूवेबल है, इसलिए कैपिटल असेट है। देखो मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना बढ़िया ब्यूटीफुल डायग्राम बना के, ब्यूटीफुल सा। जब भी मैं इस वाले सॉफ्टवेयर से आपकी क्लास लेती हूँ ना, क्लास बहुत बीच में मुझे डिस्टर्ब करती है। चलिए जी, ये वाला सॉफ्टवेयर मेरा वर्केबल है, ये अभी चलने लग गया, अब हम इसी पे ही करेंगे। तो हमने कहाँ तक देखा, ये बात हम देख रहे थे, हम ये वाली बात देख रहे थे कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, एनी काइंड हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे बिजनेस की हो चाहे बिजनेस की ना हो, वो चीज़ कैपिटल असेट है कि नहीं बताइए। जी मैम, वो कैपिटल असेट है। फिर हमने किया इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बाय FFIs, ये भी क्या है, हमारी कैपिटल असेट है। इसके बाद हमने किया कि अगर आपका कोई पर्सनल इफेक्ट है, अगर आपका कोई पर्सनल इफेक्ट है, ये एग्जांपल्स लिखे हैं आपके पास कि पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सभी एग्जांपल हैं इस बात के कि पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स अगर आपके मूवेबल हैं, अगर आपके मूवेबल हैं तो ये कैपिटल असेट नहीं है। देखो क्लियर कट लिखा है, अगर ये मूवेबल हैं तो ये कैपिटल असेट नहीं है, लेकिन ये पांच अगर मूवेबल है, मूवेबल में ज्वेलरी आ जाए, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आ जाए, ड्राइंग आ जाए, पेंटिंग आ जाए, स्कल्पचर्स आ जाए, एनी वर्क ऑफ आर्ट आ जाए, तो ये कैपिटल असेट है। याद रख लीजिएगा ये छह नाम कैपिटल असेट है, और कोई भी ऐसा पर्सनल इफेक्ट जो कि मूवेबल है वो कैपिटल असेट नहीं है। चलिए जी, अब मेरी एक बात का आप सभी आंसर दीजिए। जी मैम, पूछिए क्या बात। पर्सनल इफेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्या सभी पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट है? नो मैम, सभी पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रही हूँ, बताइए वो कैपिटल असेट है? जी मैम है। मैं एक पर्टिकुलर एरिया को, लैंड है एक, उसको अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रही हूँ, बताइए वो कैपिटल असेट है कि नहीं? जी मैम है। मेरे ये जो मेरे पास अभी फिलहाल मैं आपको क्या दिखाऊं, ये जो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने कैलकुलेटर अपने पर बिजनेस के लिए कैपिटलाइज्ड कर रखा है, बताइए कैपिटल असेट है कि नहीं? जी है। ये तो मैंने बिजनेस की बात कर ली, मैं आपसे आपसे किसकी बात करना चाहती हूँ? पर्सनल इफेक्ट की। ठीक है जी, ये बॉटल है, ये एक बॉटल है, ये बॉटल मैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करती हूँ, बहुत ही महंगी बॉटल है, मान लीजिए कैपिटल असेट की बात करें ना, इसलिए मान लीजिए बहुत ही महंगी बॉटल है, पर्सनल पर्पज के लिए मैं इस बॉटल को यूज करती हूँ और मैं एक टाइम पर इस बॉटल को बेच देती हूँ, बताइए इस पर कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं? नो मैम, इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी पर्सनल बॉटल है, ऊपर से मैम ये आपकी मूवेबल है। पर्सनल इफेक्ट जो कि मूवेबल है वो कैपिटल असेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट जो कि इमूवेबल है वो कैपिटल असेट है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल इफेक्ट जो कि मूवेबल है पर साथ ही साथ उनमें ये छह बातें आ रही हैं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब आपके कैपिटल असेट है। आई होप अब आपको ये चीज याद हो गई होगी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आप सबने यहाँ पर एक वर्ड सीखा, क्या वर्ड सीखा आपने? एक वर्ड सीखा था यहाँ पर ज्वेलरी। ज्वेलरी का क्या मतलब है? ज्वेलरी, नेकलेस की बात करूं तो क्या वो ज्वेलरी है? अगर मैं बात करूं गोल्ड की वॉच की तो क्या वो ज्वेलरी है? अगर मैं बात करूं कि मान लो कोई पर्सन है, उन्होंने कोई शर्ट वेयर कर रखी है, उस शर्ट के अंदर उन्होंने गोल्ड के बटन लगवा रखे हैं, तो क्या वो शर्ट अब ज्वेलरी हो गई? ये पेन है, इस पेन के ऊपर अगर मैं गोल्ड चढ़वा लूं तो क्या ये पेन ज्वेलरी बोला जाएगा या फिर अभी भी ये पेन ही बोला जाएगा? अगर मैं अपने घर में यूटेंसिल्स यूज करती हूँ, वो यूटेंसिल्स गोल्ड के हो, तो क्या वो ज्वेलरी बोले जाएंगे या फिर वो यूटेंसिल्स ही बोले जाएंगे? अगर मेरे घर में जो फर्नीचर है वो फर्नीचर गोल्ड का हो जाए, मैं उस पूरे फर्नीचर को गोल्ड बना, मतलब गोल्ड से रिप्लेस कर दूं, पूरा फर्नीचर गोल्ड का लगवा लूं अपने घर में, तो उस फर्नीचर को ज्वेलरी बोला जाएगा या फिर फर्नीचर ही बोला जाएगा? तो ये सारी बातें हमें पता लगेंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वेलरी।
तो यहाँ पर इन्होंने ज्वेलरी का बहुत अच्छे से मीनिंग समझाया है। देखो, ज्वेलरी की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन आपको दी हुई है। कैसी डेफिनेशन दी हुई है ज्वेलरी की? इंक्लूसिव, कि जो आप ज्वेलरी समझते हो वो तो ज्वेलरी है ही। अब देखो, मैं आपको ज्वेलरी वर्ड बार बार बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैम, हमारे दिमाग में सीधे आ रहा है कि रिंग ज्वेलरी होती है, ईयर रिंग ज्वेलरी होते हैं, नेकलेस ज्वेलरी होता है, यही तो आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन जो मैंने आपके सामने कुछ एक्सेप्शनल बातें रखी, कैसी कैसी बातें? कि आपके घर में गोल्ड के यूटेंसिल्स हों, क्या वो ज्वेलरी बोले जाएंगे? फर्नीचर है गोल्ड का, क्या वो ज्वेलरी बोला जाएगा? आपकी शर्ट में गोल्ड के बटन लगे हैं तो क्या उस शर्ट को ज्वेलरी बोला जाए? ये बातें आपके माइंड में कतई भी नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो इस बात को लॉ मेकर ने क्लियर कट लिखा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी ज्वेलरी बोली जाएंगी। चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि लॉ मेकर ने इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया। ये टॉपिक खत्म करने के बाद फिर हम बुक से रीडिंग लेंगे। मीनिंग ऑफ ज्वेलरी, इन्होंने क्लियर कट बोला, कोई भी ऑर्नामेंट जो कि गोल्ड से बना है वो भी ज्वेलरी है, कोई भी ऑर्नामेंट जो कि सिल्वर से बना है वो भी ज्वेलरी है, कोई भी ऑर्नामेंट जो कि प्लैटिनम से बना है तो वो भी ज्वेलरी है। ऑर्नामेंट मेड ऑफ एनी अदर प्रीसियस मेटल, कोई अदर प्रीसियस मेटल है जो कि गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है और प्लैटिनम नहीं है, उसके अलावा कोई अदर प्रीसियस मेटल है तो वो भी आपकी ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। बताइए, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई, फिर वो भी हमारा ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी अलॉय, अलॉय क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है, हिंदी में बोलूँ तो मिश्र धातु इसको बोलते हैं। मिश्र मतलब कि मिक्स धातु, दो तीन तरह की ये जो मेटल्स हैं इनको मिला दोगे तो आपको अलॉय मिल जाएगा। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन तीनों को मिक्स करके मैं कोई रिंग बनवा लूँ तो उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स धातु, यानी कि उसको अलॉय बोला जाएगा। अगर आपने कोई ऑर्नामेंट बनवा रखा है अलॉय का, यानी कि इन दो तीन धातुओं को मिक्स करके, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? ज्वेलरी बोला जाएगा। देखो, क्लियर कट लिखा है अलॉय के आगे, दैट इज मिक्स अप ऑफ टू और थ्री अबव मेटल्स। तो ये सब चीजों को हम क्या बोलेंगे? ज्वेलरी बोलेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने और क्लियर कट किया, ये जो चीजें अभी आपने ऊपर पढ़ी, कोई भी ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रीसियस मेटल, टू और थ्री अब मेटल्स मिला के बन जाए, वेदर कंटेनिंग डायमंड्स और नॉट, अगर उनमें डायमंड फिट है तब भी उनको ज्वेलरी बोला जाएगा, अगर उनमें डायमंड नहीं फिट है तब भी हम उनको ज्वेलरी बोलेंगे। वेदर सियन इन टू एनी व्योरिंग अप्रेल और नॉट, एग्जाम्पल गोल्ड बटन इन शर्ट, वो बोल रहे हैं ये जो ऊपर आपने पढ़ा गोल्ड, सिल्वर, मेटल, प्रीसियस मेटल, अगर ये आपकी शो हो रखी है किसी वियरिंग अप्रेल के साथ, अगर ये आपने फिट करा रखी है किसी वियरिंग अप्रेल में, तो उस वियरिंग अप्रेल को भी हम ज्वेलरी बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, शर्ट में अगर आपने गोल्ड के बटन को शो करा रखा है तो उस केस में जो शर्ट है उसको क्या बोला जाएगा? ज्वेलरी बोला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब बात समझ आ रही है। आइए नेक्स्ट, अब क्या लिखा है इन्होंने, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स है कोई, वो भी ज्वेलरी बोले जाएंगे? जी बिल्कुल बोले जाएंगे। आपने प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन को अगर अपने फर्नीचर में लगा रखा हो तो क्या वो फर्नीचर ज्वेलरी बोला जाएगा? जी बिल्कुल बोला जाएगा। आपने इस प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स को यूटेंसिल्स में लगा रखा है तो क्या उन यूटेंसिल्स को ज्वेलरी बोला जाएगा? जी बिल्कुल बोला जाएगा। आपने अगर प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स को किसी अनदर आर्टिकल में लगा रखा है, किसी अनदर प्रोडक्ट में लगा रखा है, अब सपोज करो ये मेरा कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में ये जो कीज़ है, अगर मैं इस कीज़ को हटवा के यहाँ पर गोल्ड के कीज़ अफिक्स करवा दूँ तो क्या ये कैलकुलेटर कैलकुलेटर रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मैम। फिर ये कैलकुलेटर क्या बन जाएगा? मैम, ये कैलकुलेटर फिर आपका ज्वेलरी कहलाएगा। तो बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब बात समझ आ रही है। अगर कोई भी प्रीसियस स्टोन अगर मैंने उसको किसी भी वियरिंग अप्रैल में फिट कर दिया है तो उस केस में वो वियरिंग अप्रैल, अब वियरिंग अप्रैल ना रह गया, वो क्या बन गया? वो ज्वेलरी बन गया। तो अब आपके मन का जो भ्रम था वो टूटा। ज्वेलरी का मतलब जो ज्वेलरी आपके दिमाग में आई वो तो है ही है, प्लस ऐसी ऐसी चीज़ें और भी ज्वेलरी हैं। बताइए मैम, कैसी कैसी चीज़ें और भी ज्वेलरी हैं? चलिए फटाफट से रिविज़न कराऊँगी, मेरे साथ साथ बोलिएगा। गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट हो, सिल्वर का हो, मेटल का हो, प्लैटिनम का हो, वो सब तो ज्वेलरी है। अगर आप किसी और चीज़ में ये मेटल फिक्स करवा देते हो तो वो चीज़ भी ज्वेलरी बन जाएगी। आप कोई सेमी स्टोन, कोई सेमी प्रीसियस स्टोन किस तो ज्वेलरी है आप, लेकिन सेमी स्टोन प्रीसियस स्टोन को क्या करते हो? किसी भी
पर्टिकुलर चीज में अफिक्स कर देते हो तो वो पर्टिकुलर चीज भी आपकी ज्वेलरी बन जाएगी। मैम अगर दो या तीन मेटल को एक साथ मिला देते हो जिसको अलॉय बोला जाता है उसको भी हम ज्वेलरी बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? अब बात समझ आई, अब बात बनी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कैपिटल असेट क्या है? चलो आ जाओ जल्दी से। पॉइंट नंबर वन, कोई से भी प्रॉपर्टी हो वो कैपिटल असेट है। इन्वेस्टमेंट बाय FII वो भी कैपिटल असेट है। फिर हमने पढ़ा काफी सारी चीजें कि कुछ ऐसी पर्सनल इफेक्ट्स जो कि मूवेबल भी होंगे, इमूवेबल भी होंगे। इमूवेबल है तो कैपिटल असेट है, लेकिन अगर वो मूवेबल है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो इन छह कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो वो आपके कैपिटल असेट है, अदरवाइज वो आपके कैपिटल असेट नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि गोल्ड का क्या मीनिंग होता है। अब बात आती है एग्रीकल्चर लैंड की। क्या एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट है कि नहीं बताइए? एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल असेट और नॉट? तो क्लियर कट लिखा है यहां पर कि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है, आप पहले बताइए क्या वो इंडिया में है या फिर आउटसाइड इंडिया में है। अगर एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है तो वो हमेशा कैपिटल असेट बोला जाएगा। सपोज कोई मेरा एग्रीकल्चर लैंड है और वो नेपाल में है, मैं उस एग्रीकल्चर लैंड को बेच दूं जो कि नेपाल में है, वो लैंड मैंने खरीदा था 10 लाख रुपए का और मैं उसको 12 लाख रुपए में बेच रही हूँ, तो जो 2 लाख रुपए की इनकम है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया। अगर एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो वो क्या है? मेरी कैपिटल असेट है। लेकिन मैम अगर आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इन इंडिया ही है तो क्या वो कैपिटल असेट है? चलो जी बताती हूँ। अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में ही है तो हमारा इंडिया क्या पूरा अर्बन है? नो मैम। पूरा क्लासिक है? नो मैम। कुछ रूरल पार्ट भी है इसमें, कुछ इसमें अर्बन एरिया भी है, थोड़ा रूरल है थोड़ा अर्बन है। तो जो रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में अगर आपका कोई कैपिटल, कोई भी अगर आपका रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको कैपिटल असेट नहीं बोला जाएगा। सपोज किसी रूरल एरिया में मेरा एग्रीकल्चर लैंड था जो कि मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा था और 5 साल बाद मैं उस एग्रीकल्चर लैंड को 5 लाख रुपए का बेच रही हूँ। जी कितने का बेच रही हूँ मैम? अरे वाह, आपने 1 लाख रुपए का खरीदा और आप 5 लाख रुपए का बेच रहे हो, मतलब कि आप उस पर 4 लाख रुपए कमा रहे हो। तो बताइए क्या वो 4 लाख रुपए मेरे टैक्सेबल होंगे? नो मैम, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको तो हम कैपिटल असेट ही नहीं मानते, और जब वो कैपिटल असेट ही नहीं है तो फिर असेट ही नहीं है तो फिर काय बात का कैपिटल गेन? बात समझ आई कि नहीं बताइए? जी मैम बात समझ आ गई। अगर एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया में है तो वो कैपिटल असेट है, लेकिन इन इंडिया में है और रूरल एरियाज में है तो वो कैपिटल असेट नहीं है, बट अर्बन एरियाज में है तो वो कैपिटल असेट है। सपोज मेरा एग्रीकल्चर लैंड है अर्बन एरियाज में है, तो बताइए अगर मैंने वो लैंड 1 लाख रुपए का खरीदा था और मैं उसको 5 लाख का बेच रही हूँ तो जो 4 लाख रुपए का मुझे फायदा हो रहा है वो 4 लाख रुपए मेरा टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बताइए बताइए। जी मैम फिर आपका टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि अर्बन एरिया में अगर आपका लैंड सिचुएटेड है तो वो लैंड आपका कैपिटल असेट होता है, फिर आपको जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको सेक्शन नंबर 45 में आज ही बताया था कि यहाँ पर सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो कि कैपिटल असेट से अराइज हो। तो अगर ये कैपिटल असेट है तो इससे होने वाली इनकम यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर मैम ये कैपिटल असेट नहीं है तो यहाँ से होने वाली इनकम यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं? चलिए बताइए। अरे बता दिया करो, बताते क्यों नहीं हो? मैम बात तो समझ आ रही है, सच्ची बता रही है मैम, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात आज तो हमको समझ आ गई। चलिए मैम एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, हम सोच रहे थे अब पूछेंगे, जब आप रुकोगे तभी पूछ लेंगे, अब हमें ऐसा लग रहा है आप रुक गए हो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने कहा जी पूछो, तो आपने मेरे को बोला कि मैम ये बताइए ना कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एरिया रूरल है और कौन सा एरिया अर्बन? क्या इस बात को फिक्स करने का कोई क्राइटेरिया है जिससे हमें पता लग जाए कि जी ये रूरल है और जी ये अर्बन है? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया मैम लॉ में एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, लॉ इतना बढ़िया ड्राफ्ट किया गया है कि उसने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि रूरल एरिया का मतलब क्या होता है और अर्बन एरिया का मतलब क्या होता है।
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अर्बन एरिया का मतलब क्या होता है। तो जो हम सीखेंगे वो अर्बन एरिया है, उसके अलावा सारा एरिया रूरल एरिया है। ठीक है जी? जी मैम। चलो, किसी एरिया में अगर म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपालिटी अगर एग्जिस्ट करती है या फिर कोई एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। मैम, कंटोनमेंट बोर्ड मतलब जो आर्मी एरियाज होते हैं उनकी बातें कर रहे हैं। कोई एरिया अगर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है या फिर किसी एरिया में म्यूनसिपालिटी है तो हम उसको बोलेंगे कि वो अर्बन एरिया है। लेकिन इतना ही नहीं, उसमें म्यूनसिपालिटी होने के साथ साथ उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसको अर्बन एरिया बोलेंगे। अदरवाइज हम उसको क्या बोल देंगे? रूरल एरिया। कोई एरिया, मान लो ये एरिया है एरिया एक्स, ये है एरिया एक्स, इस एरिया के अंदर म्यूनसिपालिटी है, इस एरिया के अंदर म्यूनसिपालिटी है प्लस इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी 10,000 से ज़्यादा है। बताइए एरिया एक्स मेरा अर्बन एरिया है या रूरल? मैम, एरिया एक्स आपका अर्बन एरिया है। क्यों? क्योंकि मैम इस एरिया में म्यूनसिपालिटी भी है एंड यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है। मुझे एक साथ दोनों कंडीशन पूरी करनी है। देखो बीच में क्या वर्ड लगा है? एंड। तो मुझे ये कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन भी पूरी करनी होगी। अगर दोनों कंडीशन मेरी पूरी हो जाएंगी तो उस एरिया को मैं अर्बन एरिया बोलूँगी, अदरवाइज उस एरिया को मुझे अर्बन एरिया बोलने का कोई हक नहीं है। मैं उस एरिया को क्या बोलूँगी? मैम उस एरिया को आप बोलोगे रूरल एरिया। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप सब मुझे आंसर्स करिएगा। ठीक है जी? ओके मैम। चलिए, म्यूनसिप आंसर्स तो यहाँ लिखे हुए हैं, चलिए मैं काट देती हूँ आंसर्स, मैं काट देती हूँ, जल्दी से काट देती हूँ ताकि आप देख ना पाओ। चलो, म्यूनसिपालिटी एग्जांपल नंबर वन, किसी एरिया में म्यूनसिपालिटी ही नहीं है। बताइए क्या वो मेरा अर्बन एरिया होगा? नो मैम, वो अर्बन एरिया नहीं है। तो जब वो अर्बन एरिया नहीं है तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है क्या वो कैपिटल असेट होगी? नो मैम, जब वो अर्बन एरिया ही नहीं है तो वहाँ की एसेट कैपिटल असेट नहीं होगी। सेकंड, कोई एरिया है उस एरिया में म्यूनसिपालिटी तो है लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 9,000 है। बताइए क्या वो एरिया अर्बन एरिया है? नो मैम, वो एरिया अर्बन एरिया नहीं है। आपने कहा था कि दोनों कंडीशन पूरी करनी है बट यहाँ पर एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो मैम हमको समझ आया कि जो ये एरिया है ना ये अर्बन एरिया नहीं है। बताइए फिर इस एरिया में जो लैंड है वो कैपिटल असेट होगा? नो मैम, ये लैंड कैपिटल असेट हो ही नहीं सकता क्योंकि जब मैम अर्बन एरिया होगा तभी हम वहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाला लैंड है उसको कैपिटल असेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी एरिया में म्यूनसिपालिटी है प्लस वहाँ की पॉपुलेशन भी 10,000 से ज़्यादा है, बताइए मैं इसको कैपिटल असेट बोलूँगी कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल बोलोगे, उस एग्रीकल्चर लैंड को आप कैपिटल असेट बोलोगे। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। ये क्या आ गया? ये रहा नेक्स्ट कौन है, और उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? मोर देन 10K है बट 1,00,000 से ज़्यादा नहीं है। उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है बट 1,00,000 से ज़्यादा नहीं है। चलिए, आपको ये तीनों एग्जांपल समझ आए? जी मैम, हमको ये तीनों एग्जांपल समझ आए। अभी एग्जांपल नंबर 4 छोड़ दीजिए, अभी हम उस एग्जांपल नंबर 4 को नहीं कर रहे, बताऊंगी अभी कि वो क्या है क्या नहीं है। पहले आप सिर्फ इतनी बात समझो कि किसी एरिया को कि अर्बन एरिया कब कहा जाएगा? जब वहाँ पर म्यूनसिपालिटी हो प्लस वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा हो, उस एरिया को अर्बन एरिया कहा जाएगा और वहाँ पर जो कैपिटल असेट है उस कैपिटल असेट को एग्रीकल्चर लैंड बोला जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाइए नेक्स्ट में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में म्यूनसिपालिटी है, ठीक है, प्लस यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है जी मैम, बिल्कुल। तो ये एरिया अर्बन एरिया है कि नहीं? जी मैम, ये एरिया तो आपका अर्बन एरिया है लेकिन मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इस एरिया में नहीं है, एक दूसरे एरिया में है। ये एक और एरिया है, इस एरिया में मेरा एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, इस एरिया में मेरा एक एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन इस एरिया में ना तो म्यूनसिपालिटी है ना ही पॉपुलेशन है। बताइए इस एरिया का जो ये लैंड है इस लैंड को कैपिटल असेट बोला जाए कि नहीं? इस एरिया के लैंड को कैपिटल असेट बोला जाए कि नहीं? मैम ये तो अर्बन एरिया हुआ ना, तो इसको तो कैपिटल असेट नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल जी, लेकिन लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला
अगर ये जो एरिया है इस वाले एरिया से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है, मतलब कि इन दोनों एरिया की आपस में जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो इस वाले एरिया को भी हम रूरल एरिया में से खींच लाएंगे और अर्बन एरिया के ब्लॉक में डाल देंगे। मतलब कि इस एरिया को भी क्या बोला जाएगा, अब इस एरिया को भी मैम अर्बन एरिया बोला जाएगा, और यहाँ की जो लैंड होगी उस लैंड को क्या बोला जाएगा, कैपिटल असेट बोला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात समझ आई। तो ऐसी ऐसी बातें अब मैं सिखाने आपको जा रही हूँ, सुनो। अदर क्राइटेरिया है, ऐसे क्राइटेरिया की अब हम बात करेंगे। मान लो किसी एरिया में म्यूनसिपालिटी नहीं है, कोई कंटोनमेंट जोन बोर्ड नहीं है, तो क्या वहां पर भी एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल असेट बोला जाएगा? जी बिल्कुल बोला जा सकता है। अगर वो लैंड विद इन 2 किलोमीटर में आ जाए ऐसे एरिया के जहां पर म्यूनसिपालिटी है, प्लस उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो उस एरिया से 2 किलोमीटर के पास जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगा उस एग्रीकल्चर लैंड को हम अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर लैंड बोल के कैपिटल असेट मान लेंगे और टैक्स लगा देंगे। एक बार और सुनो, ये कैसा एरिया है आपका, अर्बन एरिया है जहां पर म्यूनिसिपालिटी है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है। इस लिमिट से किसी में भी आ जाए, इस लिमिट के अंदर अंदर किसी भी लिमिट में फॉल कर जाए, मतलब कि 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है। अब कितनी भी हो सकती है इस लिमिट में? जी मैम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी है? अप टू 1 लाख है। कितनी है? अप टू 1 लाख है। तो इस एरिया से 2 किलोमीटर के अंडर में अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, भले ही वहां पर म्यूनसिपालिटी नहीं है, भले ही वहां की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, पर उस एरिया में एग्रीकल्चर लैंड जो आपका पड़ा हुआ है उसको भी कैपिटल असेट माना जाएगा। चलिए जी एक बात अब और सीखिए। ये जो आपका अर्बन एरिया था यहाँ पर म्यूनसिपालिटी थी, बट अगर यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो जाए, अगर यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया से 6 किलोमीटर का एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया से 6 किलोमीटर तक के एरिया में अगर आपकी कोई लैंड है, भले उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी म्यूनसिपालिटी नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, बट उस एरिया की लैंड भी आपकी अर्बन एरिया की लैंड मानी जाएगी और उस पर भी कैपिटल असेट मान के टैक्स लगा दिया जाएगा। बात समझ आएगी नहीं मैम? बात तो अब समझ आ रही है। फिर बोला गया कि ये जो एरिया है जहां पर म्यूनसिपालिटी है और वहां की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 10 लाख से ज्यादा है, तो इससे 8 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है, विद इन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लिमिट ऑफ दिस बॉर्डर, मैं इस बॉर्डर की बात कर रही हूँ, ये म्यूनसिपालिटी का बॉर्डर है, इससे 8 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आपने कोई लैंड ले रखा है, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रखा है, भले ही वो रूरल एरिया में हो, भले ही वो ऐसे एरिया में हो जहाँ पर कोई भी म्यूनसिपालिटी नहीं हो, कोई भी आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं हो, बट स्टिल उस वाले एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल असेट मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। बात समझ आएगी? बताइए, सच्ची बता रहे मैम, थोड़ी थोड़ी सी समझ आई, बहुत ज्यादा तो हमको समझ ही नहीं आई। एक बार और सुनो मैम, आज की क्लास में इतना टाइम क्यों दे रहे हो, चीज़ों को 20-20 बार क्यों समझा रहे हो? आज की क्लास में तो मैं 50 बार भी समझाऊंगी। अगर आज ही की क्लास आप सबकी गड़बड़ हो गई तो आगे की क्लास में आपका माइंड मेच्योर्ड ही नहीं हो पाएगा, फिर आगे की क्लास में भी मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा। आज की क्लास में मेच्योर्ड हो जाओगे आप सब, आने वाली क्लास में और मेच्योर्ड हो जाओगे, उसके बाद हम कैपिटल गेन में स्पीड बढ़ा देंगे। देखो ये जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर म्यूनिसिपालिटी है, प्लस इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से 1 लाख के बीच में आती है। ठीक है जी? जी मैम 10,000 से 1 लाख के बीच में आती है, तो इसकी जो ये बाउंड्री है इस एरिया की, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी में भी आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, विद इन 2 किलोमीटर दूरी में भी आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल असेट बोला जाएगा। ठीक है मैम, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है आपकी, ये पॉपुलेशन अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर 6 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में भी अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रखा है और भले ही उस पर्टिकुलर एरिया में म्यूनसिपालिटी नहीं है, लेकिन स्टिल उस एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल असेट बोला जाएगा और इनकम टैक्स में टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा है,
तो फिर 8 किलोमीटर दूर तक अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, 8 किलोमीटर दूर तक अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है इस एरिया की म्यूनसिपालिटी लिमिट से, तो उस केस में ये जो लैंड भले ही आपका रूरल एरिया में पड़ा है लेकिन ये एरिया आपके विद इन 8 किलोमीटर में तो आ ही रहा है ना, तो इस लैंड को भी कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। अब बताइए बात समझ आई कि नहीं? अब तो बात बन गई मैम, अब तो बात समझ आ गई। चलिए जी मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ। ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, बहुत ही बढ़िया वर्ड्स में समझाई गई है। जिसने नोट नहीं की हो वो नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। जी मैम, तो आपने क्या देखा? अदर क्राइटेरिया हम पढ़ रहे थे। अदर क्राइटेरिया में ऐसा एरिया जहाँ पर म्यूनसिपालिटी नहीं है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टिल उस एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम कैपिटल असेट मानेंगे और उस पर भी हम इनकम टैक्स के अंडर में टैक्स लगाएंगे। लेकिन कब? जब वो एरिया विद इन 2 किलोमीटर आ जाए किसी ऐसे एरिया के जहाँ पर म्यूनसिपालिटी है और वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख तक है, या फिर विद इन 6 किलोमीटर आ जाए किसी ऐसे एरिया के जहाँ पर म्यूनसिपाल है और वहां की पॉपुलेशन 10 लाख है, या फिर विद इन 8 किलोमीटर आ जाए किसी ऐसे एरिया के जिस एरिया में म्युनिसिपैलिटी है और वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो ये क्लियर कट लिखा है कि हाँ म्युनिसिपैलिटी तो है और पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ए एरिया आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में 6 किलोमीटर तक का एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 8 किलोमीटर तक का एरिया आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल असेट्स के लिए अर्बन मान लिया जाएगा। चलो नेक्स्ट केस, पॉइंट नंबर 5, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आपने कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होल्ड कर रखे हैं, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होल्ड कर रखे हैं, तो ये सब आपकी कैपिटल असेट नहीं है। इवन इन डिपॉजिट्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपका क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। पॉइंट नंबर 6, बिजनेस असेट कैपिटल असेट है। आपकी कोई बिजनेस असेट है वो आपकी कैपिटल असेट है। आपका स्टॉक एंड ट्रेड है, सपोज आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर्स में आपका ट्रेडिंग करने का बिजनेस है, तो उस केस में वो जो शेयर्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपकी कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन मैम अगर हम शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें तो फिर वो आपकी कैपिटल असेट है पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। आपके बिजनेस में जो कंज्यूमेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, वो आपकी कैपिटल असेट नहीं है। कोई रॉ मटेरियल पड़ा है वो भी आपकी कैपिटल असेट नहीं है। चलो अभी आपको ये बात समझ आई कि कैपिटल असेट क्या होता है? जी मैम हमको ये बात तो समझ आ गई कि कैपिटल असेट क्या होता है। बात सही से समझ आई कि नहीं? जी मैम सही समझ आ गई। चलिए आइए अब मैं आपको इतने पार्ट को पहले बुक से कवर करा देती हूँ। ये चैप्टर है हमारा, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 45 to 55 AA से स्टार्ट होगा, 55 AA पे जाके खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 45 आप सबको आता है, चार्जिंग सेक्शन, जो कि कितनी बातें बताता है? 2 बातें बताता है। पहली बात कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, दूसरी बात वो इनकम कब टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट, कि कैपिटल असेट का क्या मतलब है। तो आप सबने मुझे बोला कि मैम एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस के लिए यूज हो रही हो चाहे वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही हो। मैम अगर FIIs ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिक्योरिटीज में तो वो भी कैपिटल असेट है। मैम अगर कोई पर्सनल अप्रेजल्स है, अगर वो इमूवेबल है तो वो कैपिटल असेट्स है। लेकिन अगर वो मूवेबल है तो सिर्फ 6 प्रकार के ही कैपिटल असेट में आते हैं, बाकी कोई भी कैपिटल असेट में नहीं आता। और क्या बताया था बताइए, मैसेज कीजिए जल्दी से। मैम आपने और बताया था कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया में आ जाएगा तब तो वो हमारा कैपिटल असेट है। आउटसाइड इंडिया है तो भी वो हमारा कैपिटल असेट है। लेकिन अगर वो रूरल एरिया में आ रहा है तो फिर वो कैपिटल असेट नहीं है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल एरिया, मैं ऑलरेडी आप सबके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है जी। जी मैम चलिए जी अब हम बात करेंगे, पहले जो कंटेंट हमने पढ़ा उसको यहाँ से एक बार देखेंगे। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। पहली बात कि कोई भी आपको गेन हो जाए कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से, तो वो गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपका क्या हुआ,
ट्रांसफर किया गया कैपिटल असेट का इनकम होनी चाहिए, कब टैक्सेबल होगी, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो आपकी इनकम एग्जैम्प्ट नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 54। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, हम पढ़ते हैं ना, हर पर्टिकुलर हेड के अंदर अपनी अपनी एग्जेम्पशन होती है। PGBP में भी अपनी एग्जेम्पशन थी, सैलरी में भी अपनी एग्जेम्पशन थी, सिमिलरली कैपिटल गेन हेड के अंदर की एग्जेम्पशन है। ये पर्टिकुलर एग्जेम्पशन अगर आपको मिल रही है तो उतना हिस्सा आपका टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्पशन के बाद जो बचा कुचा हिस्सा होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात समझ आई। हम पढ़ेंगे 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB, ये सभी हमारे क्या है, एग्जेम्पशन के सेक्शन है। ये हम पूरी इस पे क्लास लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे, आज की क्लास में इसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए, आपने चार्जिंग सेक्शन में क्या पढ़ा कि कोई चीज कैपिटल असेट होनी चाहिए। पहली बात, कैपिटल असेट ही होना उसका सिर्फ जरूरी नहीं है, कैपिटल असेट होने के बावजूद उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर जिस ईयर में होगा उसी ईयर में हम उससे आने वाले प्रॉफिट और गेन को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन वो प्रॉफिट और गेन हमारे एग्जैम्प्ट नहीं होने चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आई। इफ़ ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये सारी की सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो जो भी आपको कैपिटल गेन अराइज होगा वो सभी आपका प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपकी एसेट क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। आ जाइए नेक्स्ट। फिर हमने पढ़ा कि कैपिटल असेट क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया 214 में। कैपिटल असेट का मीनिंग कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस से कनेक्ट हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्ट ना हो, चाहे वो प्रोफेशन से कनेक्ट हो, चाहे वो प्रोफेशन से कनेक्ट ना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है FIIs के द्वारा। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि कैपिटल असेट नहीं है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि कैपिटल असेट नहीं है, आइए उसको भी देख लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट, कोई सी भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट हो कैपिटल असेट नहीं होते, एक्सक्लूडिंग दी 6, ये 6 हमारे कैपिटल असेट्स होते हैं। नेक्स्ट, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब हमारे कैपिटल असेट हैं। फिर आपको बताया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया में है तो वो कभी भी कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और कोई ऐसा लैंड जो कि आउटसाइड इंडिया में है वो हमेशा कैपिटल असेट माना जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कभी भी कैपिटल असेट नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट है जो कि मोनेटाइजेशन के टाइम पर आपको मिला हुआ था तो वो भी आपका कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। आ जाइए, ये वाली लाइन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन वाली नीचे आइए, पहले जो पढ़ रखा है वो पढ़ेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का क्या मतलब होता है, ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर, ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट ऑफ प्लैटिनम, चाहे उनमें कोई प्रीसियस मेटल हो चाहे नहीं हो, चाहे उनको किसी बियरिंग अप्रैल में लगा रखा हो चाहे नहीं लगा रखा हो, अगर लगा रखा होगा तो वो जो बियरिंग अप्रैल है उन बियरिंग अप्रैल को भी कैपिटल असेट बोला जाएगा। प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स अपने आप में क्या है, एक ज्वेलरी है, लेकिन अगर आपने इसे किसी फर्नीचर में, किसी यूटेंसिल में, किसी एनी अदर आर्टिकल में, किसी बियरिंग अप्रैल में फिक्स कर रखा है, अटेस्ट कर रखा है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर आर्टिकल, बियरिंग अप्रैल, फर्नीचर भी ज्वेलरी माना जाएगा। फिर यह क्लियर कट बताया गया है फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एरिया क्या होता है, रूरल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर म्युनिसिपैलिटी ना हो और वहां की पॉपुलेशन भी 10,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है जी। लेकिन फिर बताया गया है कि ये पर्टिकुलर एरिया भले ही रूरल हो लेकिन ये रूरल की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर ये एरिया 2 किलोमीटर के दायरे में आ जाए, 6 किलोमीटर के दायरे में आ जाए या 8 किलोमीटर के दायरे में आ जाए, जहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो पर्टिकुलर एरिया भले ही वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ म्युनिसिपैलिटी नहीं है, लेकिन जो उससे लगा हुआ दूसरा एरिया है वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी भी है, वहाँ की पॉपुलेशन भी है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर एरिया भी आपका रूरल एरिया नहीं माना जाएगा और यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड होगी वो कैपिटल असेट बन जाएगी। इतनी बातें हमने सीखी थी कि नहीं? जी मैम इतनी बातें तो हमने सीख ली, बात समझ आई कि नहीं आई ये भी तो बताओ। जी मैम बात भी हमको समझ आ गई है। कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको देख लेते हैं। टू अट्रैक्ट चार्ज ऑफ कैपिटल गेन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर मस्ट बी अ कैपिटल असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, पहली बात तो ट्रांसफर की डेट पे वो प्रॉपर्टी कैपिटल असेट होनी ही चाहिए। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड हैव बीन अ कैपिटल असेट ऑल्सो ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ असेसी। इफ द कंसर्न असेट डज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर नो कैपिटल गेन कैन बी लेविड। ये बोल रहे हैं जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की थी, भले ही जब परचेज की थी तब वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं थी, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तब वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये देखना है। एक्विजिशन के टाइम उसका नेचर मत चेक करो, जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तब देखो कि उसका नेचर क्या था। अगर उसका नेचर कैपिटल असेट वाला है तो फिर वो कैपिटल असेट चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन विच असेसी रिजाइड That is residential house। ये जो residential house होते हैं वैसे तो ये personal effect होते हैं, लेकिन यहाँ पर capital gain के chapter में हमने इनको personal effect होते हुए भी personal नहीं माना और इनको capital gain head में डाल दिया। Next, movable asset used for business purpose, sorry personal purpose like television, fridge, car, scooter, etc. ये सभी capital asset नहीं माने जाएंगे, इनका जो gain होगा वो किसी भी head में taxable नहीं होगा। Business assets are capital असेट, जो कि बिजनेस असेट्स होती हैं वो सब कैपिटल असेट होती हैं, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, आप सब जानते हो ये कैपिटल असेट नहीं होती हैं। नेक्स्ट, कैपिटल गेन और नॉट, आप सब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करवाइए मेरे साथ और बताइए कि ये कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, आपको इन सभी केसेस में क्या करना है, कैपिटल गेन मुझे निकाल के बताना है। चलिए एक ही क्वेश्चन में आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए अ ज्वेलरी डीलर सेल्स ज्वेलरी ऑन 1 अगस्त 2019 को, इसने ज्वेलरी बेच दिया। कब इसने ज्वेलरी बेचा है, 1 अगस्त 2019 को इसने ज्वेलरी बेचा 15 लाख का। विच वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 अगस्त 2012 फॉर 10 लाख, जो कि कब खरीदी गई थी मैम, 2012 में खरीदी गई थी, और कितने की खरीदी गई थी मैम, 10 लाख की। तो अभी आप सिर्फ मुझे इतना बताइए क्या ये कैपिटल असेट है या नहीं। अभी आप इस पर कैपिटल गेन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अभी मैंने आपको इंडेक्सेशन नहीं सिखाया। जी मैम, ज्वेलरी कैपिटल असेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू बताइए आप सभी मेरे को, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर टू, मिस्टर बी सेल हिज पर्सनल फर्नीचर। पर्सनल फर्नीचर की जो सेल हो रही है, अभी मैं आपसे आगे का सॉल्व नहीं करा रही, सब चीज़ें अभी नहीं पढ़ाई गई है, बताइए पर्सनल फर्नीचर की जो सेल हो रही है वो कैपिटल असेट है कि नहीं। नो मैम, ये कैपिटल असेट नहीं है। नेक्स्ट, मिस्टर सी ट्रांसफर इज पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस, जो पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हैं ये पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस, बताइए कैपिटल असेट है कि नहीं। जी मैम, हाउस तो है। नेक्स्ट, मिस्टर डी सेल गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, बताइए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स आपकी कैपिटल असेट है कि नहीं। नो मैम, ये कैपिटल असेट नहीं है। नेक्स्ट, मिस्टर ई अ पेंटर सेल ड्रॉइंग पेंटिंग्स, भले ही ये मूवेबल है लेकिन ये उन 6 एक्सेप्शन में कवर होता है, इसलिए कैपिटल असेट है। ठीक है जी, आइए आगे। ये फिर से कैपिटल गेन के यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी इनको आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगी, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रही। पहले मैं आपको इंडेक्सेशन सिखाऊंगी, वापस मैं आपको यहाँ पर लेके आऊंगी। चलिए जी, तो अभी आज आपने क्या सीखा कि कौन सी चीज़ कैपिटल असेट है, कौन सी चीज़ कैपिटल असेट नहीं है। आपने चार्जिंग सेक्शन के बारे में सीखा कि चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है। आपने कैपिटल गेन चैप्टर का बिल्कुल बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग किया, आपने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि इसमें एक वर्ड था, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या वर्ड था। यहाँ पर एक वर्ड आप सब ने मेरे साथ देखा था, आ जाइए बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि इनकम होनी चाहिए कैपिटल असेट के ट्रांसफर करने से। तो इस ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है, बात आती है कि इस ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल होता है या फिर और भी बहुत कुछ होता है। तो आइए, मैंने यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, पहले ये देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब जो आप सोचते हो वो तो है ही है, आपके दिमाग में आ रहा है अच्छा सेल, सेल तो है ही ट्रांसफर, लेकिन लॉ मेकर ने कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने रखी होंगी जो कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी। अगर आपने वैसी वैसी घटनाएं घटित कर दी तब भी उसको ट्रांसफर माना जाएगा। मैम कैसी कैसी घटनाएं? देखो आप बेच रहे हो किसी चीज को, बेचने से आपको पैसा आता है तो सेल करना तो ट्रांसफर है, लेकिन अगर आप किसी चीज को एक्सचेंज करते हो बर्टर करते हो तो उस केस में भी उसको क्या माना जाएगा? ट्रांसफर, और उस केस में भी कैपिटल गेन लगेगा। नेक्स्ट रिलिंक्विशमेंट, आप अपना राइट छोड़ देते हो, आप अपना राइट खुद से त्याग देते हो, उसको बोला जाता है रिलिंक्विशमेंट, उस केस में भी आपके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। सपोज ये कंपनी है, ये कंपनी है ए लिमिटेड, इस कंपनी में आपने 500 शेयर्स खरीद रखे थे, एक शेयर था आपका 10,000 रुपये का, तो बताइए आपने इस कंपनी में कितने शेयर्स खरीद रखे थे? मैम 500 शेयर खरीद रखे थे 5,000 रुपये के, लेकिन आपने क्या किया इस कंपनी के ऊपर एहसान किया और आपने कहा ठीक है जी मेरे ये शेयर्स जाने दो, मैं इन शेयर्स को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है इन शेयर्स को छोड़ो जो हुआ सो हुआ, इस इन्वेस्टमेंट से आपने अपना ध्यान हटा लिया, तो बेसिकली आपने अपना राइट क्या किया खुद से त्याग दिया। तो लॉ मेकर बोलते हैं जी आप खुद से त्याग रहे हो ना, हम तो तब भी इसको ट्रांसफर मानेंगे और इस पर कैपिटल गेन लगाएंगे। मैम ऐसा क्यों किया? अपनी मर्जी से त्याग रहा है तो फिर वो कैपिटल गेन में आके वो टैक्स क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि अगर रिलिंक्विशमेंट को कैपिटल गेन हेड में कवर नहीं किया तो सभी सेल रिलिंक्विशमेंट बना दी जाएंगी, ऐसा घपला कर दिया जाएगा, ऐसा लॉ का लूपहोल पकड़ के बैठ जाया जाएगा कि जो पर्सन एक्चुअल में सेल कर रहे होंगे ना वो भी कहेंगे जी हम तो रिलिंक्विश कर रहे हैं, हम तो इसको छोड़ रहे हैं, अपने राइट को छोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी हमें पसंद नहीं है इसलिए हम इसको सामने वाले को दे रहे हैं। तो उस केस में आप कभी टैक्स भरोगे नहीं, गवर्नमेंट को कभी टैक्स मिलेगा नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला अगर आप रिलिंक्विशमेंट कर रहे हो, अपने राइट्स को छोड़ रहे हो, तब भी हम उसको क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट का ट्रांसफर। एक वर्ड होता है एक्सटिंगाइजमेंट, एक्सटिंगाइजमेंट का मतलब होता है आपके राइट्स खुद ही खत्म हो गए, आपने नहीं त्यागे बट आपके राइट्स खुद ही खत्म हो गए। मैम एग्जांपल दो, सपोज ये कंपनी है, इस कंपनी में आपने 500 शेयर्स ले रखे थे, एक शेयर कितने का था 100 रुपये का, लेकिन कैपिटल रिडक्शन हो गया, कैपिटल आपने रिकन्स्ट्रक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे अकाउंटेंसी में, तो वो जो शेयर्स का जो रिडक्शन हुआ, शेयर का प्राइस हो गया 10 रुपये, कितना हो गया 10 रुपये, तो 90,000 से क्या हो गया शेयर्स का रिडक्शन हो गया, खुद ब खुद आपका राइट खत्म हो गया 90 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 500 शेयर्स, तो 45,000 रुपीज से आपका राइट क्या हो गया एक्सटिंगाइजमेंट हो गया, खत्म हो गया। तो लॉ मेकर बोलते हैं अगर आपका राइट एक्सटिंगाइज हो रहा है उस केस में भी हम उसको ट्रांसफर मानेंगे। चलो ये कंपलसरी एक्विजिशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, जब मेट्रो बनाया था तो काफ़ी पर्संस का जो लैंड था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था, उनको कंपलसरी एक्वायर कर लिया गया जिसकी वजह से उनको कंसिडरेशन भी मिलता है, तो उस कंपलसरी एक्वायर को करने को भी इन्होंने क्या बोला कैपिटल एसेट में ट्रांसफर। नेक्स्ट कन्वर्सन ऑफ कैपिटल असेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या बोल रहे हैं? सपोज करो आपकी कोई कैपिटल असेट है, आपका ये घर है बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा आपका घर है, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया रियल इस्टेट का, रियल इस्टेट के बिजनेस में आपने हाउस प्रॉपर्टी को सेल करना स्टार्ट कर दिया, खरीद के बेचने का काम शुरू कर दिया, तो आपने बोला ये जो मेरा घर है इस घर में ये है तो मेरी कैपिटल असेट, मैं रहता हूँ लेकिन एक काम करता हूँ इस घर को भी अपने बिजनेस में डाल देता हूँ, बिजनेस का स्टॉक एंड ट्रेड बना देता हूँ, इस घर को भी बेच देंगे अपने लिए एक नया घर खरीद लेंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, अपने कैपिटल असेट को अपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉ मेकर क्लियर कट बोलता है कि आपने अपनी कैपिटल असेट को अगर अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तब भी हम उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर करेंगे और आपसे कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट, इसका क्या मतलब है मैम? सॉरी टेकन और रिटेन, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। अगर आपने किसी को पोजीशन दे दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा भले ही एक्चुअल में अभी आपको सेल कंसिडरेशन नहीं मिला। देखो एग्जांपल लिखा है, जनरली जब भी हम एक लैंड या फिर कोई बिल्डिंग सेल करते हैं तो सबसे पहले अग्रीमेंट करते हैं। सपोज अग्रीमेंट हुआ 1 जनवरी 2020 को,
पेमेंट हुआ 15 फरवरी 2020 को, पोजीशन ट्रांसफर हो गई 30/4/2020 को, रजिस्ट्री हुई है 31/12/2020 को, बताइए ट्रांसफर कब माना जाए। तो ट्रांसफर क्लियर कट बोल दिया, जिस दिन आपने पोजीशन दिया उसी दिन को ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उसी दिन आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू एक्वायरिंग शेयर्स बिकमिंग मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी that has the effect of transferring or enabling the employment or enjoyment of rights। ये बात पहले मैं एक example से आपको समझाऊंगी, बाद में वो बात समझ आएगी। ये बढ़िया सा example आप सबके सामने, suppose करो कि कुछ companies क्या करती हैं या फिर कुछ cooperative society क्या करती हैं, multi-store building बना देती हैं। कोई कंपनी भी ये काम करती है, मल्टी स्टोर फ्लैट्स बना देते हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स बनाते हैं, कोई भी ड्वेलिंग बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ये काम कोई कंपनी भी कर देती है, ये काम कोई सोसाइटी भी कर देती है, लेकिन कंपनी खुद से थोड़ी ना बनाएगी, कंपनी भी किसी ना किसी इंडिविजुअल्स ने मिलकर फ्रेम की होगी कि नहीं जी मैम, की होगी। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी किसी ना किसी इंडिविजुअल ने मिलकर ही फॉर्म किया होगा, जी बिल्कुल किया होगा। तो कंपनी के नाम पर ये बिजनेस भले ही चल रहा है, कंपनी के नाम पर भले ही ये सोसाइटी बनाई जा रही है, ये बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है? इंडिविजुअल है। तो सपोज करो इसके पीछे 10 इंडिविजुअल थे, इन 10 पर्सन का इस बिल्डिंग में 10% की हिस्सेदारी थी। कितनी हिस्सेदारी थी? 10% की। तो इस केस में बोला जाता है कि इस बिल्डिंग का जो रियल ऑनर है वो कौन है? कंपनी। लेकिन डीम्ड ऑनर कौन है? ये शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस बिल्डिंग में अपना शेयर होल्ड कर रखा है। तो अगर ये शेयर होल्डर अपना 10% का हिस्सा ट्रांसफर करेंगे तो इन पर्टिकुलर शेयर्स होल्डर्स के हैंड्स में भी कैपिटल गेन अराइज होगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आइए देखिए। कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए जहाँ पर आपने कोई राइट एक्वायर कर रखा है, उस राइट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, उस राइट को आप ट्रांसफर कर रहे हो। एग्जाम्पल, समटाइम फ्लैट्स इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड अदर ड्वेलिंग यूनिट्स एंड प्लॉट्स इन ग्रुप हाउसिंग स्कीम एंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के द्वारा कोई कंपनी बनाई जाती है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है जिसके द्वारा वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अलॉटीज होते हैं, जो इंडिविजुअल अलॉटीज हैं जिनकी वो कंपनी है, वो उसमें अपना अपना शेयर होल्ड कर लेते हैं उस बिल्डिंग में, और ये जो शेयर होल्डर्स और ये मेंबर्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर शेयर के क्या माने जाते हैं? डीम्ड ऑनर। लेकिन लीगल ऑनर कौन है? कंपनी है। तो ये जो डीम्ड ऑनर है अगर ये अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको भी ट्रांसफर बोला जाएगा और इसको भी कैपिटल गेन हेड में टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड करते हो, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, फाइनल लेवल पे मिलेगा या आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में मिलेगा। अगर आपके कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिनमें मैच्योरिटी से पहले आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनमें अगर मैच्योरिटी के बाद आप इनको मैच्योर कर रहे हो, इनको रिडेम्पशन करा रहे हो, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो भी आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को भी क्या माना गया है? ट्रांसफर माना गया है। बात समझ आई कि नहीं, पहले ये बताओ। जी मैम, इतनी बात तो हमको बढ़िया बढ़िया समझ आ गई। चलिए जी, आज की क्लास में यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल गेन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आप ये सब रिवाइज करके आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।